ट्रिग्नोमेट्री में कौन से पॉइंट हमको पढ़ने हैं वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, उसकी ट्रिग्नोमेट्री की नीड क्या है, व्हाई ट्रिग्नोमेट्री, और है भी तो फिर उसको यूज़ कैसे करना है। फिर देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, फिर देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले कैसे बनते हैं, वो ट्रिक ध्यान से देखना। फिर देखना है हमको आइडेंटिटी फार्मूले, उसकी भी ट्रिक है लर्न रखने के लिए। फिर हमको टेबल देखना है, एक बार समझ गया कि फिर बहुत आसान है टेबल बनाना। उसके बाद देखना है हमको अप्लीकेशन, मतलब ये हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से बना हुआ है, ठीक है, ट्राई गोना और मेट्रॉन। किससे बना हुआ है, ट्राई गोना और मेट्रॉन। ट्राई मतलब थ्री, ओके, गोना का मतलब साइड, और मेट्री का मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। ओके, मतलब कि व्हाट ट्रिग्नोमेट्री, तो तीन साइड का मेजरमेंट करने के लिए जो टेक्निक इन्वेंट की थी उसको हम क्या बोलते हैं, वो सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। अब यूज़ की बात करते हैं, तो जहाँ तीन साइड है, अब तीन साइड कहाँ पे है, तो कोई भी ट्राइंगल, बट ये कोई भी ट्राइंगल के लिए अप्लाई नहीं होता है। आप ये एक बात ध्यान देना कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है। कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी तो यूज़ करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, कि दो साइड के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है, तो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर जितना होता है, ठीक है। पर तब रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमको दो साइड की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब अगर मेरे पास दो साइड गिवन रही तो मैं थर्ड साइड निकाल सकता हूँ, मतलब मेजरमेंट पॉसिबल है उसका। बट मान लो अभी एक बहुत लंबा टावर है, ठीक है, जैसे कुतुब मीनार है, अब कुतुब मीनार की हाइट मुझे मेजर करनी है, तो पॉसिबल क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं हो सकता है, कैसे पता रहेगा मुझे, ये तो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, और हाइट तो मुझे निकालनी है कुतुब मीनार की, तब क्या पता रह सकता है मुझे कि मैं कुतुब मीनार से कितना दूर खड़ा हूँ, ओके, और एंगल में बता सकता हूँ कि मैं कौन से एंगल से ऊपर देख रहा हूँ। अगर मुझे एंगल मिलता है और एक साइड गिवन होती है, तो मैं तीनों साइड में से कोई भी साइड निकाल सकता हूँ। क्या बोला मैंने, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे एक एंगल दिया रहा और एक साइड गिवन रही, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी साइड निकाल सकता हूँ। जैसे कि शिप टावर, ओके, यहाँ पे एक लाइट लगी होती है, शिप कितना दूर है मुझे बताना है, तब भी यहाँ पे सेम फंडा यूज़ होता है कि मुझे टावर की हाइट पता है और मुझे ये शिप की दूरी निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, वो कितना दूर है, तब मुझे ये निकालना है, तब मुझे ये एंगल पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो यहाँ मेरा वाई वाला पर्पज़ क्लियर होता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज़ करना है, तो जब एक एंगल और एक साइड गिवन रही तब यूज़ होता है। तो राइट एंगल के दो ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम होते हैं जनरली, एक तो पाइथागोरस थ्योरम या तो फिर ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री कब कहाँ कैसे यूज़ करना है, समझ में आया। अब यूज़ कैसे करना है, हाउ, तो वो एंगल और साइड का क्या करना है, तो वो एंगल और साइड के लिए मुझे क्या याद होना जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद होना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है, तो सबसे पहला रेशो किन्होंने मुझे बताया था, आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट की एक बुक है आर्यभट्टा, उनमें सबसे पहले उन्होंने यूज़ किया हुआ है साइन वर्ड, कौन सा वर्ड, साइन रेशो, ओके, सिम्बॉलिज होता है थीटा, ग्रीक सिम्बॉल, ठीक है। अब ये थीटा क्या है, मान लो कि अलजेब्रा में कोई भी वैल्यू निकालना है, ठीक है, अलजेब्रा में कोई वैल्यू मुझे पता नहीं, तो मैं क्या अज्यूम करता हूँ, एक्स। वैसे ही जब मुझे कोई एंगल पता नहीं होता है, तब मैं क्या यूज होता करता हूँ, थीटा। थीटा मतलब कोई भी एंगल, समझ में आया। और ये थीटा क्या है, तो ये भी ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे कि अल्फा बीटा गामा ईटा जाय, वैसे क्या है, ये थीटा है, समझ में आया। साइन और थीटा क्या है, साइन मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और थीटा क्या होता है, मेरा एंगल, ठीक है। अब कितने रेशो है, तो तीन बेसिक है, वो तीन बेसिक के ही
और 3 इनवर्स भी होते हैं, मतलब टोटल मुझे कितने पढ़ने हैं, 6 रेशो याद रखने हैं। ओके तो देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो समझने के पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ टर्म्स याद कर लेते हैं, मतलब टर्म्स को समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके, अपोजिट साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड क्या होती है, और हाइपोटेनस क्या होता है। सबसे बेसिक होता है हाइपोटेनस, बच्चे कुछ कुछ फिर भी कंफ्यूज करते हैं कि हाइपोटेनस कौन सा लेना है। मान लो कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ आपको पता है कि ये हाइपोटेनस है क्योंकि ये सबसे आइडियल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कभी कभी राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दे दिया, ठीक है, अब बच्चों को बोल दिया कि बताओ कौन सा राइट एंगल हाइपोटेनस है, ठीक है, तब उन्हें लॉन्गेस्ट साइड भी पता नहीं चलती है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन थी, इसमें से तीनों तो इक्वली लग रही है। ओके, तब मुझे क्या रखना है, राइट एंगल के सामने जो साइड होती है, कौन सी बोला मैंने, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होती है, आपकी वो ट्रायंगल की हाइपोटेनस होती है। ओके, अब दो टर्म बची है, कौन सी, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। ओके, अपोजिट साइड किसकी, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मान लो कि ये एंगल है मेरा थीटा, ठीक है, तो ये थीटा के अकॉर्डिंगली वो टर्म डिसाइड होती है, मतलब थीटा के जो सामने है वो क्या होगी, उसकी अपोजिट साइड। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, फिर यही थीटा को जो लगकर साइड है, यही थीटा को जो लगकर है वो क्या हुई मेरी, एडजेसेंट, ठीक है, ये हुई मेरी एडजेसेंट साइड और ये हुई मेरी अपोजिट साइड और ये हुआ मेरा हाइपोटेनस, ठीक है। अब मान लो कि ये थीटा नहीं है, थीटा क्या है, ये है, मतलब ऊपर से कोई जो भी देख रहा है नीचे, तो ये मेरा थीटा हो गया, तो अब अपोजिट साइड यही रहेंगी क्या, तो नहीं, थीटा के अकॉर्डिंगली वो साइड भी बदल जाएंगी, मतलब कि ये थीटा के लिए अपोजिट क्या हो जाएंगी, ये साइड हो जाएंगी। ओके, और ये थीटा के लिए ये क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट। समझ में आया ये क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है और अपोजिट साइड क्या होती है। ये अब मैंने बताया आपको कि मुझे 6 रेशो याद करने हैं, ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल के कोई पॉइंट है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है, अब ये है मेरा एंगल थीटा, ये नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लर्न करने हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले सबसे पहले आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये थीटा है, ओके, तो ये होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, क्या बोला मैंने, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, अब अपोजिट कौन है इसमें, थीटा के अपोजिट कौन है, ए बी, और हाइपोटेनस कौन है, ए सी, ये होता है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, क्या होता है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ अपॉन हाइप, फिर है मेरा सेकंड रेशो कॉस थीटा, इसका क्या होता है, तो यहाँ पे जहाँ पे अपोजिट है वहाँ पे क्या यूज करता है, एडजेसेंट साइड, ओके, और डिवाइड में क्या करना है, हाइपोटेनस, ठीक है, अब ये थीटा है तो इसको एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी, ओके, और हाइपोटेनस क्या है इसका, ए सी, इतना समझ में आया। अब इन दोनों को मिलके क्या बनता है, एक टैन थीटा, अब मैंने इन दोनों को मिलके क्या बोला, क्यों बोला, ठीक है, तो देखते हैं, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है, अपोजिट कौन है मेरा, तो ए बी है, और एडजेसेंट क्या है, बी सी है, ये समझ में आया, 3 रेशो कौन थे, कौन थे, साइन कॉस और टैन, 9th में सिर्फ 3 की वैल्यू देखी थी आपने, साइन कॉस और टैन की, ठीक है, अब यहाँ पे 3 नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आते हैं, जो क्या है,
इसका इन्वर्स रेशो है। क्या है? इन्वर्स रेशो है। साइन का इन्वर्स कौन है? तो कोसेक है, कोसेक थीटा। ठीक है, कॉस का इन्वर्स कौन है? कॉस का इन्वर्स होता है सेक थीटा। टैन का इन्वर्स होता है कॉट थीटा। इतना समझ में आया? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन का इन्वर्स है कोसेक थीटा, तो ऑब्वियस ये इन्वर्स है, मतलब क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज ऊपर गया, अपोजिट साइड नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या था मेरा, ए सी, और अपोजिट साइड क्या है मेरी, ए बी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनवर्स मतलब क्या हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल है। क्या है ये? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। बी सी नीचे चले गया, ए सी ऊपर आ गया। टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। समझ में आया? जहाँ पे ए बी नीचे था ऊपर था, यहाँ पे नीचे आ गया, बी सी नीचे था तो यहाँ पे बी सी ऊपर आता है। इतने समझ में आया ये छः रेशो? तो ये छः रेशो के रियल नेम क्या है? तो मैंने पहले बताया आपको, साइन एस आई एन ई, ये है कोसाइन, ये है टेंजेंट, ये है कोसेकंड, ये है सेकंड, और यह है को टेंजेंट। समझ में आया? चलिए, तो हमने क्या देखा, साइन इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब इसी का रेसिप्रोकल। ओके, सेक थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, किसका रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा का। सेक कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, किसका अपोजिट है, तो है साइन थीटा का है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गए। ठीक है, ये छह फॉर्मूले लर्न करना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और आइडेंटिटी फॉर्मूले कैसे लर्न करना है, कैसे आपको बनाना है वो बताता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम लर्न कर लो, ये डायग्राम लर्न करने पे आपको 45 फॉर्मूले वैसे ही लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अभी डायग्राम कैसे बनती है वो ध्यान दो। आपको क्या करना है, एक हेक्सागन बनाना है, हेक्सागन मतलब पता है सबको। ठीक है, उसके डायगोनल्स को क्या कर देना है, आपको जॉइंट कर देना है। ठीक है, फिर स्टार्टिंग कहाँ से करना है, ये ऊपर सबसे ऊपर पॉइंट, इसको लिख देना आपको साइन थीटा। साइन थीटा के अपोजिट क्या लिखना है आपको, कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ लिखना है आपको टैन थीटा, यहाँ लिखना है आपको सेक थीटा, टैन के अपोजिट कॉस थीटा, और सेक के अपोजिट यहाँ लिखना है आपको कोसेक थीटा। ठीक है, ये एक बार डायग्राम आपकी लर्न हो जाएगी ना, तो फॉर्मूले बहुत इजी है, उसको डायग्राम देख के आपको समझ में आएगा कि आपको फॉर्मूले कैसे बनते हैं और क्या बनते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, यहाँ ऊपर क्या लिखना है आपको, साइन थीटा, उसके अपोजिट कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, उसके अपोजिट कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, उसके अपोजिट कोसेक थीटा। अब बच्चे फिर भी कन्फ्यूज़ करते हैं, तो एक और ट्रिक याद रखो कि हेक्सागन के यहाँ पे ट्रिपल सी है। क्या है? ट्रिपल सी, कॉस, कॉट और कोसेक। ठीक है, अब फॉर्मूले कैसे बनते हैं दो अच्छे से, टैन थीटा इक्वल टू, टैन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, कैसे लिखा मैंने, फिर से यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इक्वल टू क्या होता है, उसके जो आगे दो है उसका डिवाइड। ठीक है, मैं आपको एक प्रूव करके भी बता दूंगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा फिर, कॉस मल कॉस डिवाइड बाय कॉट, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। ओके, फिर कॉस थीटा की बारी आती है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, फिर कॉट थीटा क्या बनेगा हमारा, कॉट थीटा इक्वल टू बनेगा मेरा कोसेक अपॉन सेक थीटा, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। फिर कॉट के बाद में क्या आ जाएगा हमारा,
कोसेक का फॉर्मूला, कोसेक थीटा क्या बनेगा मेरा, सेक थीटा डिवाइड बाय टैन थीटा, सेक थीटा अपॉन टैन थीटा, ठीक है। कितने बने, एक दो तीन चार पाँच, अब क्या बचा हमारा, सेक थीटा बचा, सेक थीटा इक्वल क्या बनेगा, टैन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, टैन थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। तो ये छह फॉर्मूले कैसे बने हमारे, क्लॉकवाइज, मतलब कि मैंने टैन थीटा को लिया तो इसका आंसर इक्वल टू किसका होता है, ये डिवाइड बाय ये, फिर इसका क्या होता है, कॉस डिवाइड बाय कॉट, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉट डिवाइड बाय कोसेक, कॉट का क्या हो जाएगा, कोसेक डिवाइड बाय सेक, कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक डिवाइड बाय टैन थीटा, और सेक थीटा का क्या हो जाएगा, तो टैन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। प्रूव करके देखे तो साइन थीटा की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस की वैल्यू क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है मेरा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, एडजेसेंट एडजेसेंट क्या हो जाएगा, कैंसर, ओके, ये हो जाएगा ऊपर, डिवाइड करना आता है ना, ये हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये क्या होता है, साइन थीटा, होता है प्रूफ, ठीक है। कैसे बनाया मैंने, क्लॉकवाइज जाना है, समझ में आ गया, इतना छः एक फॉर्मूले कैसे किए लर्न। फिर जैसे मेरे ये छः बनते हैं, वैसे ही छः मेरे कैसे बनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अगर मैं कॉट थीटा लेता हूँ तो कॉट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, कॉस अपॉन साइन थीटा, मतलब कि टैन का रिसिप्रोकल, दिख रहा है आपको, समझ में आया। तो ऐसे आपके और छः बनेंगे, छः और छः कैसे बन जाएंगे, बारह। अब मैंने क्या बोला, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को लिया तो ये दोनों का डिवाइड होता है, ठीक है। वैसे ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से बोल रहा हूँ मैं, टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इक्वल क्या आएगा, उसके दोनों के जो बीच में है वो उसका इक्वल हो जाएगा। फिर से देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होता है, जो बीच में लिखा हुआ है उसके इक्वल, ठीक है। जैसे कि साइन मल्टीप्लाई बाय कॉट, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो बीच में कौन है उनके, कॉस थीटा, ठीक है। फिर वैसे कॉस मल्टीप्लाई कोसेक, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक थीटा के, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इक्वल टू टैन थीटा, ओके। वापस कितने बन गए हमारे, छः। अब इसको भी प्रूव करके दिखा सकते हैं आप, जैसे कि देखो यहाँ पे टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ओके। एडजेसेंट एडजेसेंट क्या हो गए, कट, तो क्या बचा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल है, साइन थीटा के, समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मूले लर्न करना है आपको। इतने सारे लर्न करने से अच्छा ये एक डायग्राम बना लिया, और ये डायग्राम से इतने आपके फॉर्मूले
बनते हैं। कितने हो गए? 6, 6, 6, 18 हो गए। अभी और आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान देना कि यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सेंटर में 1 लिखना है। सेंटर में क्या लिखना है आपको? 1 लिखना है, ठीक है। अब देखो, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा किसने किसके इक्वल होता है? तो 1 के होता है, समझ में आया। टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा, टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा किसकी इक्वल होता है? 1 के होता है, ठीक है। सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा, सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है? तो 1 के होता है, समझ में आया कैसे होता है। मैंने क्या किया, अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को मल्टीप्लाई किया, आंसर किसके इक्वल होता है, बीच में क्या है मेरा, 1। ओके, तो ये भी प्रूव करके बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। ओके, कोसेक क्या होता है? तो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट होता है। ओके, हाइपोटेनस हाइपोटेनस के साथ में कैंसिल हो गया, अपोजिट अपोजिट के साथ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1, मतलब ही लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आया कैसे किया मैंने ये 3 फॉर्मूले? फिर से यहाँ पे एक बार ध्यान दो, ये दोनों अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसके मल्टीप्लाई, इसका दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमको आइडेंटिटी फार्मूला, क्या देखते हैं हमको, आइडेंटिटी फार्मूला। आइडेंटिटी फार्मूला क्या होता है हमारा, ये देखने के पहले हम क्या कहते हैं, हम ये 3 जो ट्रायंगल है हम उसको ही लेंगे, ठीक है। ये 3 ट्रायंगल में क्या करना है आपको, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाना है। क्या बनाना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनानी है, समझ में आया। क्या बोला मैंने, ये 3 ट्रायंगल में आपको क्लॉकवाइज एरो दिखाना है, ठीक है। अब देखो ये एरो पे क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आता है, 1। कैसे जाना है आपको, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आपने 9th में प्रूव किया हुआ है, ठीक है। पर लर्न करने में बच्चों को क्या प्रॉब्लम होता है, सर cot के साथ में cosec है क्या, tan के साथ में sec थीटा है क्या, पहले प्लस है कि माइनस है कि 1 है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ध्यान देना, और यही 3 फॉर्मूले से बाद में और भी फॉर्मूले बनते हैं, जैसे कि टैन को यहाँ लिखे चले जाओ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऐसे 3 से और 3 बनते हैं, तो वो हम देखेंगे नहीं। बेसिक क्या है हमारे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, जैसे अभी देखिए हमने आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले, वैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले भी है। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले भी लर्न करने में बहुत डिफिकल्टी आती है बच्चों को, कि साइन के अपोजिट कोसेक है, पर कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। 9th में आपने ये प्रूव किया हुआ है। ओके, तो कैसे याद करना है, साइन के कॉम्प्लीमेंट्री में कौन है, मतलब सामने कौन है, कॉस है, ठीक है। वैसे ही टैन के सामने कौन होगा, टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ओके, और सेक थीटा के सामने कौन है, कोसेक थीटा है, तो सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा,
कोसेक 90 माइनस थीटा। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री कैसे याद करना है आपको? साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉट टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। सेक के साथ में कोसेक लेना है, कैसे याद रखना है? तो यहाँ पे देखो, सेक के सामने कौन है? तो कोसेक है। टैन के सामने कौन है? तो कॉट है। साइन के सामने कौन है? तो कॉस है। जैसे हम ये डायरेक्शन में गए, वैसे हम ये डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। मतलब कि कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा होता है। ओके, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा भी होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्मूले। कैसे आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज होता है तो ये डायग्राम के अपोजिट साइड देखना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अभी टेबल को कैसे लर्न रखना है या ध्यान रखना है। ठीक है, टेबल कौन सा? तो टेबल ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कि साइन 30 क्या होता है, साइन 0 क्या होता है। इसके आपको एग्जांपल आते हैं और बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर मुझे टैन 30 और टैन 60, कॉट 30 और कॉस 60 में कंफ्यूज हो रहा है। तो कुछ कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मुझे क्या करना है, एक बार टेबल बनाना सीखना है कि टेबल बनता कैसे है। तो सब बोलते हैं आपको कि एक बार साइन की वैल्यू लर्न कर लो, तो यहाँ पे आपको साइन की वैल्यू भी लर्न करना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू याद करना है। किसकी करना है? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा कैसे आता है? तो हम उसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट कर लेंगे। जब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो क्या आ जाता है? साइन आ जाता है। तो वैसे हम उसकी वैल्यू को भी करेंगे। ठीक है, तो उससे हमारा क्या याद हो जाएगा? हमारा साइन थीटा याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे है। ठीक है, तो 0/4, फिर 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अच्छा, ये तो लर्न हो जाएगा आपका। क्या करना है? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 को याद रखना है। ठीक है, फिर क्या बोला मैंने? साइन स्क्वायर थीटा की, जैसे मैंने वैल्यू साइन थीटा कैसे किया? स्क्वायर रूट लेके किया। वैसे मुझे इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट ले लेने हैं। क्या करना है? इनके स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो 0/4 मतलब क्या होता है? 0 होता है, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0 होता है। समझ में आया इतना? फिर 1/4, 1/4 मतलब 1 का स्क्वायर रूट क्या है? तो 1 है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2 है। ठीक है, फिर यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, 2 1 2, 2 2 4। अब ये क्या वैल्यू होगी मेरी? 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या है? 1 है, और 2 का स्क्वायर रूट क्या है? √2 है। ठीक है, फिर 3/4 को करना है, 3 का स्क्वायर रूट क्या है? तो √3 है। ओके, और 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2 है। यहाँ पे 4/4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है। यही आपकी वैल्यू है साइन की। साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। साइन 60 क्या होता है? √3/2। और साइन 90 क्या होता है? 1। कैसे याद किया आपने साइन की वैल्यू, समझ में आया? आपको साइन थीटा की वैल्यू याद करने के लिए क्या याद करना है? साइन स्क्वायर थीटा की क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 याद कर देना है, और उनको डिवाइड में क्या कर देना है? 4 कर देना है। ठीक है, तो मैं अब ये वैल्यू क्या करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, मेरी साइन की वैल्यू क्या है? 0 है। ओके, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, और फिर क्या है? 1 है। जब अगर साइन की वैल्यू आ जाती है तो टेबल आपका 50% बन गया। ओके, अब कुछ भी नहीं करना है, आपको फॉर्मूले यूज़ करना है। मैंने क्या बोला था आपको? साइन थीटा इक्वल क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है। क्या बोला था मैंने? माइनस थीटा, मतलब कि साइन की वैल्यू 0 कब होती है? जब कॉस 90 होता है तब। ठीक है, मतलब कि हम ये वैल्यू को क्या करेंगे? अपोजिट में लिखते आएंगे। ठीक है, 90 माइनस 90, 0, मतलब कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ रहा है मैं कौन सा फॉर्मूला बोल रहा हूँ आपको? साइन थीटा इक्वल टू
कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, मतलब कि साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएंगी जब कॉस 90 माइनस 90, थीटा क्या था मेरा 90, तो वो कॉस क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, ठीक है, मतलब कि कॉस जीरो की वैल्यू क्या आएंगी जो कॉस 90 की है, मतलब आपको अपोजिट जाना है, क्या जाना है साइन की वैल्यू को लेके अपोजिट जाना है, तो ये हो गया मेरा 90 की वैल्यू, ये हो जाएगी मेरी यहाँ पे 60 की वैल्यू रूट थ्री बाय टू, फिर 45 में से 90 में से 45 गया तो 45 बचता है, तो ये वैसे की वैसे ही रहेगा, ठीक है, फिर 30 की वैल्यू क्या आएंगी, सॉरी 60 की वैल्यू क्या हो जाएंगी 30 में चले जाएंगी और 0 की वैल्यू चले जाएंगी 90 में। कॉस कैसे याद किया समझ में आया, तो साइन का उल्टा लिखते जाना है आपको, ठीक है। अब टैन थीटा की बारी है, तो टैन थीटा का फॉर्मूला फिर से क्या याद करने के लिए बोला था मैंने, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, मतलब कि 0 अपॉन 1 क्या होता है 0 होता है, ठीक है, मतलब कि 0 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है मेरा 0 होता है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये 2 2 क्या हो जाएंगे कैंसल, यहाँ क्या बचेगा 1 बाय रूट 3, ओके, यहाँ क्या बचेगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएंगी कैंसल, तो क्या बचेगा सिर्फ 1, यहाँ पे क्या होगा ये 2 2 कैंसल, ऊपर क्या बचा रूट 3, नीचे 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 0, कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है नॉट डिफाइंड या तो इन्फिनिटी आता है, याद रखना नीचे 0 है मतलब आंसर इन्फिनिटी, 1 बाय 0 क्या, 0 बाय 1 क्या था 0 था, पर 1 बाय 0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, समझ में आया। अब कॉट का क्या बोला मैंने आपको, टैन का अपोजिट है, मतलब कि जो 90 की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आ जाएंगी 0 में आ जाएगी, ठीक है इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे जो 60 की वैल्यू वो कहाँ आ जाएंगी 30 में आ जाएंगी, 1 का 1 में रहेगा 1 बाय रूट 3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। समझ में आया क्या किया, कॉट कैसे की लिखा मैंने, टैन का उल्टा लिखते आया मैं, ठीक है। अब सेक थीटा और कोसेक थीटा की बारी है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है, ओके, मतलब ये वैल्यू को क्या कर दो आप रेसिप्रोकेट कर दो, मतलब इसके नीचे 1 है ना, तो 1 ऊपर 1 नीचे, मतलब इसको उल्टा करने के बाद भी क्या आ रहा है आंसर 1 ही आता है, ठीक है। वैसे ही कॉस को इसकी वैल्यू क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में, मतलब कि 2 चले जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 जाएगा ऊपर 1 चले जाएगा नीचे। अब यहाँ पे नीचे क्या है 1 है, तो 1 गया ऊपर और नीचे क्या आ गया 0, और नीचे अगर 0 आता है तो ऐसा क्या आता है इन्फिनिटी आता है, याद रखना है। इन्फिनिटी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इन्फिनिटी कब आता है जब डिवाइड में 0 होता है तब। फिर कोसेक थीटा भी क्या है, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है, मतलब कि जो यहाँ पे है वो यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ था वो यहाँ पे √2 बीच में ही रहेगा, यहाँ क्या जाएगा 2 बाय √3 और यहाँ चले जाएगा 1, और ये बन गया हमारा टेबल। समझ में आया टेबल कैसे बनता है, आप नहीं है साइंस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइंस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बताया मैंने आपको 0 बाय 4, 1 बाय 4, 2 बाय 4, 3 बाय 4 और 4 बाय 4, उससे आपकी वैल्यू आ जाएंगे।